बलदेव प्लाजा गोलघर में ज्वेलर्स की दुकान से कीमती हार सेट की चोरी करने वाली शातिर अभियुक्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने का राड किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया खुलासा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 23 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोबाइल लूट करने वाले दो अभियुक्तों पीयूष पांडे और राजवीर उर्फ छोटू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 3 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया गया आयोजन। उद्यमियों से निवेश पर हुई चर्चा। 2000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष 1300 करोड़ के निवेश पर लगी मुहर। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। आईडीएमएस के द्वारा चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से राजघाट थाने की पुलिस ने बिहार के व्यक्ति का खोया हुआ बैग व 1,45,000 रुपया सकुशल किया बरामद। पीड़ित को किया सुपुर्द। पीड़ित ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। एसपी सिटी ने दी जानकारी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कला पेंटिंग प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने किया सम्मानित। मोबाइल लूट करने वाले एक अभियुक्त विश्वजीत पांडे को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल फोन किया बरामद। भेजा जेल। दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक के उत्पादों की हो चुकी है बिक्री। शनिवार को प्रदर्शनी का होगा समापन। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने दी जानकारी। लूट के मोबाइल के साथ दो अभियुक्तों विपुल कुमार और मनीष चौहान को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। भेजा जेल। और पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के बैनर तले किया प्रदर्शन। कहा 31 जनवरी से पहले सरकार पूरी करे हमारी मांगे, नहीं तो 30 से 31 जनवरी को सभी बैंक कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर।